रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कियारा अमेरिका से 5 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने घर इंडिया लौटी थी, जो कि भारतीय परंपराओं से कोसों दूर थी। वो अपने आप को पूरी तरह से अमेरिका के कल्चर में रंग चुकी थी। इंडिया आने के बाद जब भी वो अपने आसपास की औरतों को मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने देखती, तो उसे ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब और मजाकिया सा लगता था। उसकी माँ सुनिधि और पिता महेश अपनी बेटी की शादी एक नेक खानदान में करवाना चाहते थे, ताकि उनकी बेटी को एक औरत और सुहाग की महत्ता से वो रूबरू करवा सकें। ऐसे ही एक दिन, कियारा सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यस डैड। मैंने और तुम्हारी माँ ने सोचा है कि हम तुम्हारी शादी यहाँ करवा दें। व्हाट? कभी नहीं डैड, मैं इंडियन लड़के से शादी कभी नहीं करूंगी। यहाँ की लेडीज पता नहीं क्या क्या लगा कर घूमती रहती हैं। I never look like that। बेटा, वो अजीब सी चीजें नहीं होती, औरतों का श्रृंगार होता है। जैसे तुम मेकअप करती हो ना, बिल्कुल वैसे ही। और शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। नो, मैं ये सब नहीं करने वाली, और आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यारा बेटा, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, चाहे हंसकर करो चाहे रोकर। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और कियारा के लिए योगेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ कविता के साथ रिश्ता पक्का करने के लिए कियारा के घर पहुँचता है। दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी में तो जैसे तैसे कियारा सिंदूर, गहने और मंगलसूत्र को पहन लेती है और अगले ही दिन वो सब कुछ निकाल कर फेंक देती है और अपनी मांग का सिंदूर भी हटा देती है और वापस से अपने मॉडर्न अवतार में आ जाती है, जिसे देखकर उसकी सास कविता को तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। वो गुस्से से तिलमिलाती हुई अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू, यो कैसा उलिया बना रखा है तना अपना? क्या हुआ मॉम, आईलाइनर ज्यादा फैल गया क्या, या लिपस्टिक का शेड अच्छा नहीं है? अरे वो सब तो ठीक से, नू बता, तेरे गले का मंगलसूत्र और हाथ की चूड़ी कित से, और सब तो जरूरी तेरी मांग का सिंदूर कित है? कल तो तेरा ब्याह होया है और आज तू नू घूमे है। प्लीज मॉम, शादी का मतलब ये थोड़ी ना है कि अपने आप को सिंदूर के कलर से पेंट कर लूं। ए नाशपीटी, एक सुहागण के माथे का सिंदूर उसके पति की लंबी उम्र की निशानी होया करे, उसका विश्वास होवे है। देखिए, आपको जो भी कहना है कहिए, लेकिन मैं ये सब कभी नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर कियारा अपने कमरे में चली जाती है। वक्त बीतता जाता है, दोनों सास बहुओं में आए दिन बहस होने लगती है, पर कियारा अपनी बात से टस से मस नहीं होती और अपनी मांग में सिंदूर नहीं सजाती। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन अचानक योगेश की तबीयत खराब हो जाती है। उसको कभी बहुत तेज बुखार हो जाता तो कभी वो दर्द से कराहने लगता। ये सब होता देखकर निर्मला को अपनी बहू पर और भी ज्यादा गुस्सा आता और वो उसे ताने देना शुरू कर देती। ऐसे ही एक दिन योगेश को बहुत ही तेज बुखार होता है और कियारा उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही होती है और तभी उसकी सास वहां आकर उससे बोलती है, अरे कल मुई, जब तक तू इस घर में आई है मेरे छोरे की जिंदगी पर ग्रैंड लगा दिया। मॉम, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे बोलने का और ताने देने का। अरे तो और के करूं, जब तक आई है नू मनुष्य की तरह रह कर ना ता मांग भरती ना मंगलसूत्र पहरती, मेरे छोरे की जान की दुश्मन बन गई तू। प्लीज सासू माँ, भला सिंदूर और इनकी तबीयत का क्या लेना देना, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है, सिंदूर की नहीं। हे भगवान, किसी बहू ले आई मैं अपने घर में, अपने पति की ना सलामती चाहती आते। देखिए, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मेरा प्यार साबित करने के लिए ना किसी भी रेड कलर को अपनी मांग में सजाने की कोई जरूरत नहीं है। वक्त बीतता जाता है और एक दिन
योगेश की तबीयत फिर से खराब हो जाती है, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। कियारा और निर्मला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। डॉक्टर योगेश को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ उसके कई टेस्ट किए जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं तो कियारा बोलती है, डॉक्टर डॉक्टर मेरे पति को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? जी देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अब ये कोमा में जा चुके हैं। ऐसा करिए, आप लोग इन्हें घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। वो सभी हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। कियारा मार्केट से कुछ फ्रूट्स लेने जाती है और रास्ते में हर तरफ चहल पहल और लोगों की इतनी भीड़ देखकर वो कुछ खरीद ही नहीं पाती। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसीलिए वो एक दुकान पर जाती है और दुकान पर एक औरत जब सुहाग का श्रृंगार का सामान बेच रही होती है तो वो उससे पूछती है, सुनिए, क्या आप बता सकती हैं कि ये चहल पहल क्यों है यहाँ? अरे बहन जी, आपको नहीं पता क्या? वैसे आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप शादीशुदा हैं। चलो फिर मैं बता ही देती हूँ। जी मैं भी शादीशुदा हूँ। हाय दैया, कैसी औरत हो तुम? ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र, वो भी आज के दिन। आज आज क्या है बहन जी? अरे बहन जी, आज करवा चौथ का दिन है। करवा चौथ? ये क्या होता है? अरे आज के दिन सुहागन औरतें 16 सिंगार करके सारा दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। व्रत करते हैं? पर क्यों? सभी औरतें ये व्रत इसीलिए करती हैं ताकि उनके पति से हर बला दूर रहे, उनकी जिंदगी में कभी कोई अड़चन न आए और उन पति पत्नी का साथ हमेशा के लिए बना रहे। अगर इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करो ना तो हर कष्ट कट जाता है। कियारा वापस अपने घर आ जाती है और इस व्रत को करने के लिए खुद को सुहागन की तरह तैयार करती है और पूजा पाठ करके अपने पति के कमरे में जाती है और उसका और अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लेती है। काश माँ जी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। आज मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है कि एक सुहागन के लिए सिंदूर की क्या कीमत होती है, ये मुझे आज समझ आया है। चल कोई बात ना, देर तो ऐसे ही, कम से कम तेरी आँख तो खुलगी, तन्ना ये व्रत तो धरा। जी माँ जी, मैंने इनकी लंबी उम्र के लिए आज व्रत रखा है। कियारा अपने पति की फोटो देखकर अपना व्रत खोलने ही वाली होती है कि वैसे ही उसका पति धीरे धीरे चलकर वहाँ आ जाता है और अपने पति को ऐसे देखकर कियारा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो तुरंत उसे जाकर गले लगा लेती है और अपने पति से अपना व्रत खुलवाती है। इस तरीके से कियारा को सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व पता चलता है और वो हमेशा ही अब अपने माथे पर सिंदूर सजा कर रखती है और पूरे परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये सिंदूर वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो अपने सिंदूर को इतना ज्यादा महत्व देती हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।